नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आरुई मेश्राम, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अब मध्यम वर्ग भी मनपा दवाखाना में करा रहा है इलाज। 3 दशकों में मनपा अस्पताल में सेवाएं दे रही फिजिशियन डॉक्टर भावना सेनाकज ने महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि नवरात्र के 9 दिन माता सुरक्षित तो खर्च सुरक्षित अभियान चलाकर महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने का बीड़ा उठाया गया है। स्वास्थ्य जांच से लेकर महिलाओं की काउंसलिंग तक इस दौरान की जा रही है। पाँचपावली दवा खाने के मुहिम का आगाज हुआ। एक कैंप से ही 225 महिलाओं ने स्वास्थ्य जांच करे। 9 दिनों तक मनपा के 3 प्रमुख अस्पताल सहित कुल 33 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 18 वर्ष से अधिक उम्र की युवती महिलाएं, गर्भवती महिलाएं आदि की जांच की जा रही है। लोकमत समाचार से विशेष चर्चा में धन पर जोन के जोनल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जोन कौशल ने बताया कि मनपा दवाखाने के 4 नोटों से भी 36 का ऑपरेशन कर दिया गया है। 12 के अपग्रेडेशन की तैयारी चल रही है। ऐसे में अब मनपा दवाखानों गरीबों की नहीं रही है, जहां मध्यम वर्ग के लोगों में इलाज करने आने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण के 2 साल की कमी बोल नहीं सकती। इस दौरान कई दिनों तक डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी अपने घर नहीं आए हैं। सुबह से लेकर रात 11 बजे तक सेवाएं दी जाती है। सूचना आयोग की नागपुर खंडपीठ होंगी ऑनलाइन पक्षकारों का समय, पैसा एवं सिर दर्द बचाने के लिए राज्य सूचना आयोग की नागपुर खंडपीठ आने वाले समय में ऑनलाइन कामकाज पर जोर देंगे। प्रदेश के सूचना आयुक्त राहुल पांडे ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस संकल्पना पर चरणों में काम होगा। ढांचागत सुविधाएं बहाल होने के बाद आयोग पक्षकारों की सुनवाई ऑनलाइन आरंभ करेगा। राहुल पांडे बुधवार को विश्व सूचना अधिकार दिवस पर पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विदर्भ के हर जिला अधिकारी कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा उपलब्ध है। अधिकारी ऑनलाइन ही के सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सूचना अधिकार के संदर्भ में विशेष कार्यक्रम आरंभ करने की योजना है। पांडे ने कहा कि आयोग के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों के निपटारे की कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन नागपुर खंडपीठ ने ऐसे मामलों का निपटारा करने के लिए नियम खुद ही अनिवार्य किया है। इस वजह से लंबित मामलों की संख्या कम हुई है। सराफा से नकली ब्रेसलेट गैलरी लॉक कर ठगी। नकली ब्रेसलेट गिरवी रख कर 2 सराफा व्यापारियों से ठगी की गई है। यह घटना 19 सितंबर की शाम हुई। 26 वर्षीय आनंद नामक योग कुमार चौक स्थित मनोज बावड़ी से सुरक्षित ज्वेलर्स पहुंचने मनोज को सोने का बताकर एक ब्रेसलेट गिरवी रखने का बताया। उसने ब्रेसलेट और बिल देकर 1,16,000 रुपए के लिए, इसके बाद कथित आनंद करीब स्थित करण कोठारी ज्वेलर्स के उपक्रम खुशहाल ज्वेलर्स में गया। वहां भी उसने ब्रेसलेट देकर 1,50,000 रुपए लिए। बाद में शंका होने पर दुकान के संचालकों ने ब्रेसलेट की जांच की तो उसके नकली होने का पता चला। कि शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, क्विक, हाइक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।